कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ये गलत बात है, कानून और नियम सबके लिए एक सा होना चाहिए। कौन है मेरा भी पता नहीं है सुबह एक आप लोग क्या करेंगे हमको चुनाव कोई 6 बजे पहले बात करा दीजिए। सेकंड मेरी बात सुन ले, बिल्कुल खूब सुनाओ लेकिन हमारी बात करा दो। आप अगर गुरुजी के साथ हैं तो गुरुजी बोले, आप गुरुजी के साथ कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, शांत रहो, अब आप बात कीजिए। कोई नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे केवल। बोलिए किस कौन प्रत्याशी हैं? ओके, हमारे प्रत्याशी भगवान जी। आपके वकील साहब कहाँ? वकील कौन है भैया? वकील साहब और आप दोनों लोग चले, हम चलिए। गुरु जी नहीं, हम बात करेंगे। नहीं देखिए गुरु जी, हम बात करेंगे। समझे गुरु जी, आप नहीं, हमारा पर्चा खारिज नहीं होना चाहिए। केवल प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ेगा, आम जनता चुनाव लड़ेगी। क्यों हमारा पर्चा खारिज किया जा रहा है? मैं कह रहा प्रत्याशी टेक्निकल, आप चीजें निकाल करके यहाँ मात्रा नहीं लगी, यहाँ लगी, आप खाली कर दे रहे हो। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, भारत की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री के दबाव पर चुनाव अधिकारी ने, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट ने थोड़ी सी मैंने लिखने के तरीके की गलती निकाल करके हमारा पर्चा खारिज कर दिया। ये क्या तरीका होता है? तो इसलिए हम बात करना चाहते हैं, किसी हालत में हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा पर्चा हमारे हमको हमारी निर्वाचन अधिकारी से बात कराइए। एकदम बात भैया आप समझे, लिखने के तरीके में 1000 आदमी को पढ़ाइए। ये देखिए ठीक है, ये जो है पूरा लिखा नहीं। 1000 आदमी को पढ़ाइए, अगर वो कहे कि इसका मतलब हमका नहीं है तो वो पढ़ा लीजिए। अगर 1000 लोग कह दे कि नहीं यहाँ पर नहीं है करके है, तो ऐसे हमारा पर्चा जो खारिज किया जा रहा है प्रधानमंत्री के दबाव में किया जा रहा है। लोकशाही के अंतर्गत आनी चाहिए, ये गलत बात है। नहीं चलेगी। धर्म की जय हो। धर्म का। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।